वेलकम बैक। और आप जानते ही हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स और हमारे लोग जो हमसे मुंसलिक हैं, यानी GTV से मुंसलिक हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे ब्यूरोज़, वो हमें कोई ना कोई ज़रूर कोई इंटरेस्टिंग पैकेज और चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाते हैं। तो बुशरा कमर हमारी एक बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, और बुशरा कमर जो हैं उन्होंने ये पैकेज बनाया है, बलूचिस्तान से डायरेक्टली आपके लिए आया है। ये आप मुलाहिज़ा फरमाइए और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अजीब अंधों का शहर है। हम अंधों के शहर में पेंटिंग का दुकान खोल के बैठा हुआ। अगर मुनीर बनना चाहते तो ये मुनीर सामने। मिट्टी में दफन होते ये फन पारे क्वेटा के मुनीर अहमद के बनाए गए वो शाहकार हैं जो कभी इनकी रोजी का जरिया थे, मगर अब इनके कदरदान न होने की वजह से इन फन पारों पर गर्द जमती जा रही है। मिट्टी क्यों नहीं हो, ये तो अभी तो इन पर है, थोड़े दिनों बाद हमारा सर पे पड़ना शुरू हो जाएगा। घर का गुजर बसर चलाने के लिए मुनीर ने फने मुसवरी के साथ देसी गीजर बनाने का काम शुरू कर दिया। वेल्डिंग के दौरान मशीन से निकलने वाली चिंगारियों ने इनकी आंखों को इस कदर मुतासिर किया कि शाम ढलते ही इन्हें देखने में अब मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ, आंखों पे जो है इतना दबाव आ रहा है कि यानी अगर दिन को सही काम हो फिर रात को बिल्कुल नजर ही नहीं आती, तो आगे हम पेंटिंग कैसे जारी रखेगा, और ये सोच के मैं बहुत परेशान हो गया। मुनीर रोज बरोज बढ़ती महंगाई से परेशान है। बिजली गैस के भारी बिल और घर के अखराजात पूरे करना नामुमकिन हो गया है। मुनीर कहता है कि घर जाता हूँ तो घर वाले लड़ते हैं। पिछले दिनों इसी अवार्डों का वजह से घर में हमारा लड़ाई हुआ। कितना महंगाई का तूफान छड़ा हुआ, एक बंदा आम बंदा हमारे जैसा बंदा तो घर नहीं चला सकता। रोज लड़ाइयाँ होती हैं, रोज झगड़े होते हैं, यानी उधर के झगड़े दुकान तक आ जाते हैं। कैनवस पर रंग बिखेरने वाले इस मुसव्विर की अपनी जिंदगी बेरौनक होती जा रही है। पैरों में फटे जूते और कपड़ों में जगह जगह सुराख हैं। उनका पेट भर रहा होता है, हमको पता है अगर हमने खाना शुरू किया इनका खाना खत्म हो जाए, कुर्बानी दे रहा हूँ। हमारे बूटों का हालत देखो, हमारे कपड़े का हालत देखो, खुदा की कसम मैंने ईद को कपड़े नहीं बनाए, क्योंकि मैंने उधार एक बंदे से लेना था, वो इतना ही मिला कि हमने बच्चों का कपड़े छुड़ाए और खुद ऐसी रहेगी। खुदादाद सलाहियत के मालिक इस मुसव्विर ने अपनी जिंदगी के 35 साल इस फन को दिए, मगर इन्हें वो मुकाम न मिल सका कि जिसके ये हकदार थे। अगर महकमा सकाफत मुनीर के फन पारों की नुमाइश लगाने के साथ इन्हें फरोख्त करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म फराम करे तो इनकी बेरौनक जिंदगी में खुशियों के रंग भरे जा सकते हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, क्वेटा।